नए कांग्रेस को, उन्होंने अपने परंपरागत सीट को कायम रखा है किशनगंज में। पूरे बिहार में किशनगंज ही ऐसा जगह है जहां के लिए कांग्रेस को शुक्रगुजार होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अपने बलबूते पर किशनगंज पर विशेष कृपा दृष्टि रखेगी। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे नवनिर्वाचित सांसद जो हैं वो अच्छा काम करेंगे, और जहां उनको सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम लोग अभी विपक्ष में आ गए हैं, तो हम उनका सहयोग करेंगे किशनगंज की तरक्की के लिए। बात आती है, हम लोग चुनाव हार गए हैं तो हार जीत लगी रहती है, कष्ट जीत या हार की बात मैं नहीं करूंगा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग चुनाव हार गए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो अभियान है, हमारा जो विचारधारा है, उसके तहत जीत हार मायने नहीं रखता है, और जीतने हारने के लिए हम इस क्षेत्र में नहीं आए थे। इस क्षेत्र में आने का हमारा मकसद था कि हमारे दोस्तों की सूची जो है वो लंबी हो, अच्छे लोग, अच्छे विचारधारा वाले लोग एक साथ एक समूह में जुड़े, और हम लोग कुछ अच्छा कर सके अपने क्षेत्र के लिए। और अच्छा करने के लिए किसी पद या किसी पावर की आवश्यकता नहीं होती है, अपना अच्छा नियत होना चाहिए। हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारा काम है जो हम लोग बिना पावर के भी कर सकते हैं, अगर हम लोग सारे लोग एक साथ मिलकर करें। चुनाव आते रहेंगे, हम लोग चुनाव लड़ते रहेंगे, जीत हार होती रहेगी। ऊपर वाले के किताब में जिनका नाम दर्ज है जीत हार में, उनको जीतना हारना तो है ही, क्योंकि इंसान का इसमें कोई वश नहीं है। हमारा काम था मेहनत करना, और हमने किया। चूंकि हार गए हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमियां तो रही हैं, और बहुत सारी कमियां रही हैं। मैं अगर सभी कमियों के बारे में बात करने लग जाऊं तो कुछ पार्टी गाइडलाइन में भी बहुत सारे हमारे सीनियर पदाधिकारी गण है, उनको कष्ट होगा, तो मैं कष्ट देने में विश्वास नहीं रखता। मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, सारे लोगों ने मेहनत किया है, किन्हीं का मेहनत काम आया, किन्हीं का नहीं आया। मैं कुछ, हालांकि इतने सारे कार्यकर्ता हैं, सारे लोगों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जो जमीनी स्तर पर बहुत अधिक काम किए हैं, बहुत अधिक मेहनत किए हैं। अब उनका मेहनत से कितना फायदा हुआ, ये सिर्फ वोट प्रतिशत को देखकर हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनका जो नियत रहा है काम में, उन्होंने जितना काम किया है, इसके लिए उनको उनकी सराहना होनी चाहिए। खास करके हमारे मासूम भाई हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, हमने देखा है उनका मेहनत को, सलाम कर सकता हूं मैं। हमारे असद भाई हैं, चूंकि पहले हमारे पार्टी से ही जुड़े नहीं थे, लेकिन इनका मार्गदर्शन रहा है हम लोगों को, हमेशा इन्होंने प्रोत्साहन दिया है, और अंत समय में जब ये आए तो जितना इन्होंने मेहनत किया, इसके लिए हम लोग इनको शुक्रिया अदा ना करें तो ये सही नहीं होगा। बात करते हैं कि कहां पर दिक्कत रह गई मेरे समझ से, चूंकि मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, बहुत बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूं, उतनी ज्यादा समझ नहीं है, राजनीतिक अनुभव नहीं है मेरे में, लेकिन मैंने देखा कि हमारे टीम में पदाधिकारी और कार्यकर्ता के बीच में जो सामंजस्य होनी चाहिए, वो सामंजस्य कभी नहीं दिखा। कुछ पदाधिकारी के जो शारीरिक एटीट्यूड होते हैं ना, वो एटीट्यूड ही कुछ अलग तरह का था, उनके मन में भेदभाव बहुत अधिक था। जो हमारे कार्यकर्ता गण थे, उसके प्रति जो प्रेम होना चाहिए था, वो उसमें कमी आई। हमारे पास